हेलो माय स्टूडेंट एंड माय डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड विज्ञान। आज हम टॉकिंग को डिस्कस करने वाले हैं और लेक्चर पूरा लेक्चर हिंदी में ही होगा, क्योंकि टॉकिंग की वीडियो पहले भी बनाई है बट जो कुछ स्टूडेंट हैं उनको डाउट है, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से इन डीप डिस्कस किया जाए कि बेसिक ऑफ टॉकिंग है क्या, मतलब डॉकिंग में हम क्या क्या कवर करते हैं, कैसे कैसे कवर करते हैं, कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो यूज है वो हर फील्ड में है, चाहे आप सूटिक्स में हो, चाहे आप केमिस्ट्री में हो, चाहे कोग्नोसी में हो, हर हर फील्ड में इसको यूज कर सकते हैं, इनकी इसकी एप्लीकेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं हर किसी फील्ड में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक ऑफ डॉकिंग क्या है क्या। सबसे पहले डॉकिंग क्या है, ये वर्ड आपने सुना होगा डॉक। अगर हम वैसे भी गूगल पे सर्च करेंगे डॉक तो डॉक आएगा। हम अब जब किसी चीज को इंटरेक्ट कराएं किसी और चीज से उसको हम डॉक बोलते हैं। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे मॉलिकुलर डॉकिंग। शुरू करने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कब स्टार्ट हुई। ये स्टार्ट हुई 1900 ईयर पहले। ठीक है, तब आया रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या है, वो भी एक प्रोटीन है। इसमें हम जो ड्रग है, जो हमने बुलेट्स बनाई थी, मतलब साइंटिस्ट ने बुलेट बनाई थी, वो रिसेप्टर से डॉक कराते हैं। और वो उनका उनकी सोच थी कि ये जो कोई भी हम मॉलिक्यूल बनाए, कोई ड्रग बनाए, वो कोई बीमारी को खत्म कैसे करती है। उसमें था कि लॉक एंड की कॉन्सेप्ट था कि जो प्रोटीन है या एंजाइम है वो क्या है, वो एक ताला है, और चाबी क्या है, वो है ड्रग या लिगेंड है या वो इनहिबिटर है। कोई कोई टाइप की भी जो मॉलिक्यूल है, कोई वैक्सीन है, कोई एंटीबायोटिक है, कोई भी ड्रग है, वो क्या कर रही है, चाबी की तरह उसको जो खोल रही है। ठीक है, अगर कोई एंजाइम है वो ओवर एक्टिवेट हो जाए तो बीमारियां होती है, और ड्रग क्या कर रही है, उसको इनहिबिट कर रही है, उसको ब्लॉक कर रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आया 1900 में। उसके बाद 1970 में QSAR आए, रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस हुए। QSAR क्या है, उसमें हम क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप करते थे। वो क्या था, जैसे मैं स्ट्रक्चर चेंज करूं और उसकी IC50 कितनी चेंज हो जाए, उसकी इनहिबिटरी एक्टिविटी कितनी चेंज हो जाए, वो बढ़ जाए या कम हो जाए और कितनी बढ़ जाए। जैसे पहले उसकी IC50 होगी 0.4 नैनोमीटर। ठीक है, अगर मैंने मिथाइल से इथाइल कर दिया तो उसकी एक्टिविटी 0.45 हो गई या 1.2 हो गई, क्योंकि हमने क्वांटिटेटिव अब वैल्यू बतानी है हमने। ठीक है, वो आए 1970 में। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है बट आजकल इसकी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। जैसे हमें पता है आजकल जो अप्लाइड फील्ड का ट्रेंड है, बेसिक हमें बहुत नॉलेज है बट उसको अप्लाई कैसे करें, उसको उसका एडवांटेज कैसे करें, नॉलेज बहुत है उसको यूटिलाइज करके उसके फ्रूटफुल रिजल्ट कैसे लें, वो हमने इन सिलिको स्टडी में हमें पता चला। और आजकल साइंटिस्ट इसी डायरेक्शन में काम करते हैं कि कैसे हम अच्छी ड्रग बनाए इन सिलिको स्टडी करके। उसके बाद 1980 में कैड की शुरुआत हुई। अगेन जो QSAR था वो हम कैमड्रॉ पे स्ट्रक्चर बना लेते थे, जैसे खुद भी बना लेते थे, स्ट्रक्चर को देख के हम उसका वो बना लेते थे, उसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, हम उनके मॉलिकुलर वेट लिख लेते थे, जो भी हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी देख के लिख पाते थे वो हम QSAR में करते थे। अगर QSAR के बारे में इन डिटेल जानना है, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है QSAR और CAD, उसको खोलो, उसमें मैंने बहुत इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि क्या है QSAR। इसमें हैच एनालिसिस होते हैं, दो तीन टाइप के एनालिसिस है, वो इन डिटेल की है। लाइक अर्लियर टाइम ये यूज करते थे, आजकल CAD का ट्रेंड है। CAD क्या है, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। इसमें क्या है, कंप्यूटर को हम यूज कर रहे हैं, उसको अप्लाई करके ड्रग को बना रहे हैं। उसमें मॉलिकुलर बायोलॉजी होती है। मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या, हम प्रोटीन को एनालाइज करते हैं, जैसे बिग बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो साइंटिस्ट होते हैं जो प्रोटीन पे काम करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी स्टडीज करते हैं, वो क्या करते हैं,
उनकी स्टडी करी प्रोटीन की और उसको प्रोटीन डाटा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हम क्या करते हैं, वहां से प्रोटीन लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि कौन सी प्रोटीन अच्छी है, कौन सी होमोसेपियन में प्रेजेंट है जिसके साम हम वर्क कर पाए। ये सब 1920 में स्टार्ट हो गया था और अब क्या है 2023, इतने साल हो गए अभी भी इसकी एप्लीकेशन यूज हो रही है। ठीक है, उसके बाद एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी आया, वही है जो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी है, प्रोटीन एनालिसिस में बेसिकली यूज करते हैं। उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके एनएमआरस होते हैं, मल्टी डिमेंशनल एनएमआरस होते हैं, 1D NMR, 2D NMR, 3D NMR, वो सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स करके उसपे प्रोटीन डेटा बैंक पे डिपॉजिट कर देते हैं। प्रोटीन डेटा बैंक से भी मैंने इन डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने जानना हो उसके बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद 1990 में ह्यूमन जीनोम स्टडी हुआ, जीनोमिक पे साइंटिस्ट ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जब जीनोमिक स्टडी हुई तो बायो इन्फॉर्मेटिक की एप्लीकेशन आई, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री आई। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज करके न्यू कंपाउंड बनाते हैं। इसमें हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग करते हैं हम, 96 कंपाउंड एक बार में बना लेते हैं, एक्टिविटी भी उसी वेल प्लेट पे कर लेते हैं। इसकी मैं वेल प्लेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, कैसे उसको सिंथेसाइज करते हैं, कैसे उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं एक ही टाइम पे। मतलब इतना आसान हो गया, जैसे हम सिंथेसिस करते हैं 2 दिन लगाते थे, फिर उसको वर्क अप करते थे, फिर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते थे, अब क्या हो गया विद इन अ मिनट। जो ये स्क्रीनर होते हैं 96 वेल प्लेट वाले, इसमें हम सिंथेसिस करके कभी कभार माइक्रोवेव में रख लेते हैं, माइक्रोवेव में फ्रैक्शन ऑफ मिनट में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सिंथेसिस हो जाती है। उसी पे हम किट्स, जो किट्स मार्केट में मिलती है, उसपे इसको 2 फेज होते हैं। अगर इसके बारे में जानना है मैसेज करो, आई विल टेल इन डिटेल, हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं ये कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। ठीक है, इन शॉर्ट में बता देती हूँ, दो तरह के फेज होते हैं, एक है सॉलिड फेज, सेकेंड है सोल्यूशन फेज। ठीक है, उसके बाद क्या आया, डॉकिंग, जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। ठीक है, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, क्योंकि इस मंथ में मैं सारी वीडियोस डॉकिंग की डालने वाली हूँ, ड्रग डिजाइन की डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगा रादर देन कोई ओल्ड फील्ड, कोई और हम फील्ड पिक करें डिस्कस करने के लिए, दिस इज ये बेस्ट वन है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, जो हमारी हेल्प कर सकती है। इवन झट से पेपर लिखे जाते हैं, इसका अगर आइडिया लेना है पेपर कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्ट कैसे लिखते हैं, मुझे कॉरेस्पॉन्ड टू मी थ्रू द इंस्टाग्राम एंड द फेसबुक ऑल्सो, एंड यू कैन ड्रॉप मी ईमेल ऑल्सो, माई ईमेल आईडी इज farmavard@gmail.com। राइट, फील फ्री टू इंटरेक्ट विद मी, वी विल डिस्कस इन डिटेल, आई कैन डू द कलेबोरेशन ऑल्सो, आई कैन डू द फ्री लेंसिंग ऑल्सो फॉर यू। फाइन, डॉकिंग। अब डॉकिंग क्या है, पिक्चर तो दिख रही है, एक एक जगह पे टारगेट प्रोटीन लिखा हुआ है, दूसरी पे लिगेंड है। ये क्या करते हैं, टारगेट और लिगेंड दोनों बाइंड करके सिस्टम प्रेपरेशन करते हैं। सिस्टम प्रेपरेशन क्या है, सपोज मैंने कोई एंटी कैंसर ड्रग बनानी है और मैंने दोनों को इंटरेक्ट करना है। ठीक है, उसको दोनों को ही प्रेपरेशन करनी, प्रेपरेशन कैसे करनी है, प्रोटीन मैंने प्रोटीन डाटा बैंक से ली और वो मे बी मिनिमाइज, उसको हमने मिनिमाइज करना है, उसकी ऑप्टिमाइज करना है, उस प्रोटीन को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, फोर्स फील्ड अप्लाई करके ऑप्टिमाइज करेंगे। फोर्स फील्ड अप्लाई करके उसको हम ऑप्टिमाइज कर देंगे। फिर जो अलग अलग तरह की फोर्स फील्ड है, फोर्स फील्ड पे एक अलग बेसिक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कौन कौन सी फोर्स फील्ड है, कौन कौन के डॉकिंग इंजन है। ठीक है, इसमें हम दोनों को प्रिपेयर कर लिया। अब प्रिपेयर कैसे करते हैं, जैसे कोई प्रोटीन है उसमें को क्रिस्टल है, ठीक है, हमने को क्रिस्टल को क्या बाहर निकाल देना है, जब हम बाहर निकाल देंगे तभी वो जो हमारी लिगेंड है, जो ड्रग है, उसके साथ बाइंड कर पाएगी, नहीं तो वो बाइंड ही नहीं कर पाएगी। अगर साइट पे सपोज कोई लिगेंड पहले ही पड़ा है, नई ड्रग कैसे बाइंड कर पाएगी, तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं, को फैक्टर निकाल देते हैं, अनवांटेड कंपाउंड डाल देते हैं, क्योंकि जब कोई प्रोटीन बनती है ना उसमें अनवांटेड प्रोटीन को फैक्टर को क्रिस्टल वो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में, और हम जब प्रिपेयर करते हैं हमने सबको रिमूव करना है, हम सबको रिमूव करके उसके बाद डॉकिंग कैलकुलेशन करते हैं अलग अलग डॉकिंग इंजन से, फिर उसकी स्कोरिंग करते हैं।
ठीक है, आपको पता ही है डॉग स्कोर आता है, उससे हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करके ये जनरली नेगेटिव उसमें आता है, जितनी नेगेटिव वैल्यू हायर आएगी उतना अच्छा कंपाउंड होएगा। और जनरली हम आजकल डॉकिंग स्कोर नहीं देखते, हम पोस्ट प्रोसेसिंग उसकी एनालिसिस करते हैं, उसकी बाइंडिंग फोर्स देखते हैं कि एक जो लिगेंड है वो जो प्रोटीन है बाइंड कैसे किया, उसके पोजीज क्या है, कौन से उसके इंटरेक्टिंग अमीनो एसिड है, फिर हम बाइंडिंग साइट को एनालाइज करेंगे। उसके डिफरेंट टूल हैं बाइंडिंग साइट को एनालाइज करने के लिए, अगर उसके बारे में जानना है मैसेज करो, ठीक है। तो मैं बाइंडिंग साइट के एनालिसिस वाले टूल्स भी बताऊंगी कि अमाइनो एसिड को हम कैसे पता कर पाएंगे, कि जैसे माइनो कोई प्रोटीन है उसमें तो 550 अमाइनो एसिड है, 600 है, 700, हमें कौन से पता है कि कौन से एक्टिव अमाइनो एसिड हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके इंट्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद चलो ये है स्टेप्स आगे, डॉकिंग में कौन कौन से स्टेप हैं। ये बिगनर के लिए वीडियो है तो मैं इन डिटेल आपको बताऊंगी कि अगर आप न्यू हो कैड के लिए तो आप क्या क्या करते हो। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लिगेंड को प्रिपेयर करते हैं। उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, कोई भी फोर्स फील्ड अप्लाई करके। फोर्स फील्ड डिफरेंट तरह की है, यूनिवर्सल फोर्स फील्ड है, OPLS फोर्स फील्ड है, दो तीन और है, MM2 है। अगर आपने फोर्स फील्ड के बारे में इन डिटेल जानना है, जब क्रिस्प वीडियो कोई चाहिए तो मुझे मैसेज कर लो, मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी सिर्फ फोर्स फील्ड के बारे में जिसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिगेंड को प्रिपेयर किया, फिर हमने प्रोटीन को प्रिपेयर किया। प्रोटीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर ले सारे, फिर हमने हाइड्रोजन को ऐड कर लेना है। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हम स्पेशली हम पोलर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। जब पोलर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ना, कभी कभार हमें कोई अनवांटेड हाइड्रोजन होता है, चाहिए नहीं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। और हम को क्रिस्टल को रिमूव करते हैं, को फैक्टर्स को रिमूव करते हैं जो इंटरफेयर करे बाइंडिंग में। उसके अलावा बाइंडिंग पॉकेट को जनरेट कर लेंगे। उसको कैसे जनरेट करेंगे, जो को क्रिस्टल है ना उसको हम पहले निकालेंगे, जो उसके सराउंडिंग वाले अमाइनो एसिड होंगे वही हमारे एक्टिव अमाइनो एसिड होंगे, तो हम उसको बाइंडिंग पॉकेट बना लेंगे। दो तरह के मेथड है, मैपिंग है या मतलब जो डॉकिंग है ना, वो दो तरह की है, बायस्ड एंड अनबायस्ड। जो बायस्ड है ना उसमें हम बाइंडिंग पॉकेट को डिफाइन कर लेते हैं और वो डॉकिंग ना क्विक हो जाती है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो मैं इसका अलग आपको दिखाऊंगी, दो तरह की जो डॉकिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लिंक प्लॉट से एनालिसिस करते हैं। लिंक प्लॉट एक मेथड है जिससे हमें अमाइनो एसिड दिख जाते हैं, कि जो कोई भी प्रोटीन है जैसे उसमें दो चेन्स हैं इसके अमाइनो एसिड की, तो उसमें लिंक प्लॉट में हमें फेवरेबल एंड अनफेवरेबल और द अमाइनो एसिड प्रेजिंग एट द बाइंडिंग साइट हमें पता चल जाते हैं, तो वो हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारे एक्टिव अमाइनो एसिड है। उसके बाद हम प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन करते हैं। फिर जैसे मैंने बोला था, आजकल हम डॉकिंग स्कोर को इतना नहीं वैल्यू देते, हम क्या करते हैं, डॉकिंग स्कोर से ची है बाइंडिंग पोज हम उसको एनालाइज करते हैं, उससे हम अलग अलग उसकी वो पॉकेट्स देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी उसकी बॉन्डिंग हुई, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, कौन सा भी बॉन्ड है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये देखो, जैसे ये प्रोटीन है, ये लिगेंड है, प्रोटीन लिगेंड से बाइंड किया, यही है डॉकिंग। जो ये लिगेंड है ना, एक सेकेंड, जैसे ये लिगेंड है वो ये बाइंडिंग साइट है, इसको हमने पहले ही डिफाइन कर लिया। चाहे हम अनबायस्ड करेंगे तो हम डिफाइन नहीं करेंगे, नॉर्मली कोई भी एंगल रख लेंगे, आइडियली हम 10 एंगल रख लेते हैं या 20 एंगल रख लेते हैं, उसमें हम इसको डॉक कराते हैं। जैसे इसको इससे डॉक कराया कोई भी मेथड से, अनबायस्ड और बायस्ड मेथड से, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ये इसकी इंटरेक्शन हुई, ये यहाँ बाइंड किया। और आजकल हम इसके पोजीज देखते हैं, स्कोर नहीं देखते, पहले हम स्कोर देखते थे। अगर आप न्यू हो तो स्कोर को ले लो, इसका अच्छा स्कोर है वो अच्छा है, को क्रिस्टल के साथ कंपैरिजन कर लो। अगर को क्रिस्टल का जो डॉक स्कोर है और आपके कंपाउंड का डॉक स्कोर है अगर कंप्लीमेंट्री है, सेम है, तो मतलब उसकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है। अगर वो ज्यादा डॉक स्कोर है मतलब आपके जो कंपाउंड है सबस्ट्रेट से अच्छा है, सबस्ट्रेट और को क्रिस्टल दोनों सेम ही है। ये है बेसिक ऑफ टॉकिंग वाली वीडियो,
अगर फिर कोई डाउट हो रहा है ड्रग डिजाइनिंग में, एनी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, एनी मॉड्यूल के बारे में जानना है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी और ड्रॉप अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून टू माई चैनल. हैप्पी मैपिंग. थैंक यू.